दोस्तों यदि आप लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव कोर्सेज को परीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो लाइव कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी डाउनलोड करिए परीक्षा एप्लीकेशन को। दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर आपको 40% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमारे कूपन कोड स्मार्ट ST40 का यूज़ करना है, जिससे आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की गई परीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करिए, जिससे आपको आपकी कमियाँ पता चल पाए और शिक्षक भर्ती परीक्षा में उस कमियों को दूर करके सफलता प्राप्त कर सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए और हमारे कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलें, जिससे आपको यहाँ पर 40% तक का छूट प्राप्त होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं घनश्याम तोमर आपके अपने चैनल स्मार्ट प्रशिक्षक में दोस्तों स्वागत करता हूं। शिक्षक भर्ती रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए। दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के थ्रू सबसे पहले मिलता रहे और सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम। तो दोस्तों अभी एक रिसेंटली आदेश जारी हुआ है 29 अप्रैल 2020 की डेट पे, यहाँ पर है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, यहाँ पर शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष मध्य प्रदेश, यहाँ पर विषय बताया गया है मंत्रालय एवं अन्य राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों के चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य प्रारंभ करने के संबंध में। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कार्यालयीन यहाँ पर अब कार्य होंगे वह प्रारंभ करने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। पूरी चीज़ों को देख लेते हैं। उपरोक्तानुसार यहाँ पर विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करें, जिसके माध्यम से COVID-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन की अवधि पर्यंत मंत्रालय सहित अन्य समस्त शासकीय कार्यालयों का अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक बंद किए जाने एवं तथा शासकीय सेवकों द्वारा कार्य हैं दोस्तों घर से संपादित करने संबंधी दिशा निर्देश पारित किए गए थे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र 15 अप्रैल 2020 के मार्गदर्शिका के अनुक्रम में तथा प्रदेश में महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित ना हो, इस उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 30 अप्रैल दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 30 अप्रैल 2020 से मंत्रालय एवं अन्य राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, 30 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पर विभाग के समस्त विभाग जो होंगे राज्य स्तरीय, वो विभाग कल से यहाँ पर उन विभागों में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर शिक्षक भर्ती दोस्तों यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी अभी विलंब में जा रही है उसके कार्य अब यहाँ पर प्रारंभ कर दिए जाएंगी दोस्तों। हालांकि यहाँ पर दोस्तों जो कर्मचारी आएंगे वो मात्र 30% कर्मचारी कार्यालय में ही आएंगे और सोशल डिस्टेंस के साथ वो इस दिशा निर्देश का पालन करेंगे। आदेश में लिखा गया है कि 30% कर्मचारी ही मात्र यहाँ पर कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य भार ग्रहण करेंगे और जिससे यहाँ पर दोस्तों कोई भी कार्य जो रुका हुआ है वह प्रभावित ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर 30% कर्मचारी ही यहाँ पर कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर हो। 30% कर्मचारी सीमा संवर्ग नहीं है, इसका निर्धारण विभागीय सचिव द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 30% कर्मचारियों में किन किन कर्मचारियों को विभाग में बुलाया जाएगा इसकी कार्यसूची विभाग सचिव द्वारा यहाँ पर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब जल्द से जल्द शिक्षा भर्ती परीक्षा की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर संस्था जो भी सरकारी कर्मचारी विभाग है उसमें 30% कर्मचारियों को बुलाकर जिससे संस्था का कार्यभार प्रभावित ना हो, इससे यहाँ पर 30% कर्मचारी को बुलाकर कार्यभार ग्रहण कराकर कार्य निष्ठा से यहाँ पर संचालित कराया जाएगा दोस्तों। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो आपके साथ मैंने शेयर की, चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ।